हवा हवा माशाल्लाह, ये हवा इसको ठंडा रखेगी। तो ये माशाल्लाह जो खेमे हैं बिल्कुल रेडी हो गए यहाँ पे। तो चले अंदर चलते हैं। और ये जी कुछ ऐसा रूम होगा उजाज का। उन्होंने लिफ्ट पे ऊपर जाना होता है वहाँ से, एंड देन ऊपर से बढ़िया उनका वहीं से वहीं हो जाता है काम। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मोहम्मद हारिसन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:37, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 9:37 हो। फिलहाल मैं मुजल्फा में आ चुका हूँ अपने हज प्रिपरेशन पार्ट टू के लिए। चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। एंड वी आर बैक टू मुजदलिफा, क्योंकि लास्ट व्लॉग हम लोग का यहीं पर ही एंड हुआ था, क्योंकि हमारी बेचारी बैटरी जो है ना इसकी डाउन हो गई थी। वापस हम लोग आ गए हैं पेडिस्ट्रेन रोड पे, जहाँ से हमने छोड़ा था, जो बड़ी वाइब्रेटिंग रोड थी। तो इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ी दूर पे आगे दिख रहा होगा ये मुजदलिफा का बोर्ड जो है ना एंड हो रहा है। और जैसे ही मुजदलिफा का रोड एंड होता है ना, उसके बाद से ना शेडेड रोड शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत होती है। तो मुजदलिफा से सब लोग फजर पढ़ के निकलते हैं, और तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक धूप हो जाती है। तो इस वजह से इसके आगे से शेड है, इससे पहले शेड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ पर भी हमारे माशाल्लाह खैमों में काम चल रहा है। तो ये आपको बोर्ड दिख रहा है सामने, ये है यहाँ पर मुजदलिफा एंड का। मुजदलिफा इस जगह पर एंड हो रहा है, और जहाँ पे मिना स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं शेड वाली रोड के अंदर से जाऊँगा इसके अंदर से, तो मुझे मिना इंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देगा। तो लेट्स ट्राई कि हम उसके नीचे से जाते हैं कि उसके साइड से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालकुम। कैमरा देख के थोड़ा सा ना नर्वसी आ जाते हैं सब लोग। लेट्स गो अंडर द शेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको यहाँ पर दिखेगा मीना का बोर्ड, ये मीना का बोर्ड है, ठीक है। तो इस जगह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि थोड़ा सा तेज़ी से निकला जाए। फुल स्पीड लगा दी है माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे हर जगह चहल पहल नज़र आ रही है। और हज के दरमियान, हज के दौरान ना, जिस दिन मुजदलिफा से सब लोग जमरात के लिए जा रहे होते हैं, उस दिन बसेस तो बहुत कम होती हैं, सारे लोग पैदल ही जा रहे होते हैं। हर थोड़ी दूर पे आपको इस तरह के साफ बिल्कुल नज़ीफ हमामात मिलते हैं। एक बार अंदर से चल के मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए अभी इसकी सफाई चल रही है। इट हैज़ ऑल्सो द एसी एंड परफेक्ट कंडीशन वॉशरूम्स। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ परेशान कर रही है, मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ये सीट जो है ना ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसा क्यों रहा है? इसकी ब्रेक लाइट भी जलती है तो मुझे पता भी नहीं था, क्या बात है। ये एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा इसको टाइट, इट्स डन। तो ये शेड होता है, इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको ये दिख रहा है ना, इसके अंदर से हवा आ रही होती है और साथ में थोड़ा सा वेपर आ रहा होता है। और इस तरफ आपको हर थोड़ी दूर पर पानी पीने का मिलता है। मैं यहाँ से बाहर ही हो जाता हूँ, शेड के अंदर का आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है खैमा को एक्सप्लोर करना। तो हम इंशाल्लाह हम बाहर से चलते हैं। ये अंदर इस तरह से पेडिस्ट्रेन रोड जा रही होती है, और इस तरह की ये अलग अलग तीन रोड्स हैं, ठीक है। ये एक है, इसके पैरेलल में दूसरी है, उसके पैरेलल में तीसरी है। तो भाई साहब हमने वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी, अंदर जाके सबसे इंटरव्यू लिया, वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी। गजब यार गजब है। तो माशाल्लाह फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं मीना के खैमों में। ये थर्ड कैटेगरी वाला क्या नाम है खैमे हैं। अभी बता रहे हैं कि 8-10 दिन यहाँ पर अभी रहता है, खैमे अभी रेडी नहीं हुए हैं। ये सबसे प्री भाई हमने वीडियो तो स्टार्ट करी थी, लेकिन हीट की वजह से हमारा कैमरा बंद हो गया था दोनों बार। अभी लास्ट में भी बंद हुआ था, मैंने अच्छी खासी बात करी फिर मैंने देखा एकदम से बंद हो गया। तो ये है माशाल्लाह मस्जिद खैफ, इसको सिर्फ हज के दौरान ही हम करीब से देख पाते हैं माशाल्लाह, बाकी 12 महीने बिल्कुल बंद रहती है। सुभान अल्लाह, काफ़ी बड़ी है, मैं मस्जिद नमरा से थोड़ी सी छोटी होगी, काफ़ी बड़ी साइज़ है। यहाँ से आगे फिर एंट्री नहीं मिलती। और ये जो क्या क्या कर रहा है यार, इजी यार। और ये जो जगह है ना, ये स्पेशल है अंडरग्राउंड जमारात के लिए, तो जो जिनको स्पेशल नीड्स होती है ना, ये उनके लिए है। फ़िलहाल अभी यहाँ काम चल रहा है, हम चले ढूंढते हैं कोई रेडी हुआ हुआ खैमा। पूरा व्लॉग बनाया यार माशाल्लाह से, कैमरा हीट कर गया। मसला एक बार तो ये होता है ना 4K में आप जब शूट कर रहे होते हैं ना, वो पहले ही इंटरनली हीट कर रहा होता है, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल हीट भी थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्मी हो जाती है। मैंने आपको ये सब भी दिखाया था पीछे, लेकिन वो कैमरा बंद हो गया। ये हम लोग जमारात तक पहुँच गए थे, और ये फ़र्स्ट वाला खैमा होता है जिसमें सबसे कम चलना होता है और सबसे कॉस्टली यही होता है। यहाँ लोकल जो है इसके लिए पे करते हैं अराउंड 12,000 या 13,000, मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। और ये सारे अभी खैमे रेडी हो रहे हैं, बता रहे हैं 8 या 10 दिन तक खैमे रेडी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ खैमे रेडी हो ही गए होंगे, वहाँ चलते हैं इंशाल्लाह। चलें भाई, अब हम आ गए मेन रोड पे, क्योंकि हमें अंदर तो कोई वो मिला नहीं है खैमा। और वो जो आपको दूर में फिर बंद हो गया यार, नहीं चल रहा है,
और वो जो दूर में आपको ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है ना, वो परमानेंट खैमे हैं, तो जो थोड़ा सा ना महंगे वाले, मतलब समझ लीजिए मतलब 5-स्टार खैमे समझ लीजिए, खैमे नहीं है मतलब रेसिडेंट है हुज्जाज का मीना में। अब तो मुझे बार बार डर यही है, मुझे कैमरे की स्क्रीन देखनी पड़ती है कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो हवा हवा माशाल्लाह, ये हवा इसको ठंडा रखेगी लेकिन हमारी ऑडियो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो ये जमारात हम आ गए हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं ना, बिल्डिंग्स जिनका मैं आपको पीछे बता रहा था ब्राउन वाली बिल्डिंग, वो सबसे ऊपर वाले उसमें जाते हैं, वो पीछे से उनका ब्रिज पे से रास्ता है, उन्होंने लिफ्ट पे ऊपर जाना होता है वहाँ से, एंड देन ऊपर से बढ़िया उनका वहीं से वहीं हो जाता है काम। और ये पूरा जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ये है जमारात कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर ग्राउंड के ऊपर हैं, 2 फ्लोर ग्राउंड के नीचे हैं, जिसमें एमरजेंसी के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। यार पानी है यार यहाँ पर, चले स्लो स्पीड में निकाल लेता हूँ, वैसे ये पानी की ज़रूरत तो हमारे इस कैमरा को है। और ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, जो टनल दिख रहा है ना, वहीं पर जो है, आए हाय हाय है क्या बात है, मीना एंड हो जाता है समझ रहे हैं। मुझे यहाँ से रोड क्रॉस करनी है, वापस यू टर्न लेना है, क्योंकि आगे तो मीना एंड हो रहा है। इस बार हमको लगता है खैमा जो है रेडी अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें बाद में चक्कर लगाना पड़ेगा। ये दिखा देता हूँ, ये बिल्डिंग है वो स्कैन अल-हज्जाज, इसका मेन गेट वहाँ से है, और ये लोग माशाल्लाह ऊपर से ऊपर ही जमरात जाते हैं, फिर आके ही रहते हैं, और बढ़िया होटल वाली फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वैसे तो सबके खेमे में जो है ना किचन होता है, तो वहाँ पर आपको खाने का मिल जाता है, लेकिन ये वाला एरिया है, ये पूरा फूड स्टेशन आप कह सकते हैं, खाने की जगह है। वहाँ पे माशाल्लाह इतना बड़ा अलबैक है, जहाँ से भी हमने यूटर्न लिया ना पीछे, वहाँ पर भी अलबैक था। यहाँ पे हाउस ऑफ डोनट्स है, यहाँ पे मतलब नामा है, ठीक है। तो आई कैमरा ही बंद हो जाता है यार, थोड़ी सी चढ़ाई है, यहाँ पैदल चलेंगे क्योंकि इसने ऊपर आके जवाब दे दिया। और ये आपका मस्जिद खीफ है, मैंने कहा आपको दूसरी साइड से भी दिखा दें, माशाल्लाह। अभी यहाँ पर चढ़ाई पर हमने इसको थोड़ी देर तक पुश भी मारा है इस साइकिल को, लेट्स गो। कैमरा वैसे भी 2 मिनट में बंद हो जाना है, अभी मज़ा आ रहा है देखिए, अभी ये ऑटोमेटिकली छोड़ भी देंगे तो 50 पे जाएगी। जो मीना में जो बिल्कुल सबसे एंड में जो खेमे हैं ना, वो तकरीबन सारे रेडी हो गए हैं। ये तो ये वाले जो है ना बिल्कुल बेस जो होता है ना, बिल्कुल ये वो वाले हैं जिसके अंदर कूलर होता है, एसी नहीं होता है, बट उस टाइम यहाँ पर वेपराइजेशन बहुत हो रही होती है, तो ये वो जगह है, चले इसको अंदर से चेक करते हैं। ये माशाल्लाह जो खेमे हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं यहाँ पे, जिसमें आपको ये एक पूरा तस्बीह फ़ैन, हैंड फ़ैन देंगे, USB फ़ैन बल्कि इलेक्ट्रिक फ़ैन है, अम्ब्रेला और कंबल वगैरह, और यहाँ पे आपका पूरा बेड ऐसा रहेगा, माशाल्लाह पूरा रेडी है। और अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, लेकिन अंदर बिल्कुल फील नहीं हो रही, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए इंशाल्लाह चलते हैं, जज़ाकअल्लाह खैर है। ये यहाँ पर आपका छोटा सा हेल्थ सेंटर है, क्लिनिक टाइप, कैंप के अंदर, हर कैंप के अंदर एक क्लिनिक है, वॉशरूम्स हैं आपके यहाँ पे, इधर मेंस का है, उस साइड में वुमेंस का है, और ये मतबख है जो कि अभी रेडी नहीं हुआ है, किचन है ये, तो ये भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर से है। तो चलें एटलीस्ट हमको ये जगह तो देखने को मिल गई, और एक फर्स्ट जो सबसे अच्छी वाली जगह है वो भी ट्राई करते हैं, अगर दिख जाती तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब ये है ऊपर में मशायर रेलवे, मीना का स्टेशन 3। जो भी हज्जाज आते हैं ना, उनके वीज़ा में इसका टिकट जो होता है ना इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से जो परमिट लेते हैं उसके अंदर भी इसका टिकट जो है इंक्लूड होता है। और ये हज के 5 दिन चलती है, एक दिन सिर्फ जिसमें अराफात तक चलती है, अराफात मीना मुजदलफा, बाकी 4ों दिन जो है ना ये मीना के अंदर में चलती है, स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 3 तक। दिखाना तो मैं आप लोग को भूल ही गया, इसकी बैटरी अब गिरने लगी है। तो उस दिन जो हमने, जब हमारी बैटरी डेड हुई थी ना, उस वक्त थी 21 और अभी 37 हो चुकी है, तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 3-4 किलोमीटर बचा है और हम लोग फिर से घर नहीं पहुंच पाएंगे। Later that day. तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मीना, और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मीना में अंदर हुज्जाज के लिए टेंट कैसे होंगे। तो ये सामने एंट्रेंस है, यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाते हैं, और ये सारे मीना के एक ही कंपनी के पूरे ब्लॉक्स हैं, और कुछ इस तरीके इसका मैप भी यहाँ बनाया हुआ है ताकि आप लोग भूल ना जाएं, क्योंकि हुज्जाज का काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अभी अंदर जाते हैं, अंदर से आपको रूम दिखाते हैं कि अंदर से रूम कैसा है। तो इसलिए कहते हैं कि हुज्जाज अपने गले में बैज लाजमी डालें ताकि वो अपने रूम नंबर, अपना ब्लॉक ना भूलें। तो चलें अंदर चलते हैं, और ये जी कुछ ऐसा रूम होगा हुज्जाज का। यहाँ पर तकरीबन कितने बेड हैं? तकरीबन 23 लोगों की यहाँ पे रहने की जगह। अभी नीचे कारपेट बिछ जाएगा, एसी यहाँ पे लगा हुआ है, उधर भी एसी लगा हुआ है। ये
आपको लाइटिंग की सहूलत मुहैया की जाती है। ये देखें, ये कारपेट आ चुके हैं जो नीचे बिछेंगे और वो सामने मस्जिद बनेगी। और ये इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये काफ़ी सारे वाशरूम्स हैं, नहाने की लंबी लाइन में वाशरूम्स हैं और ये सारे कैंप्स हैं। कुछ ऐसा किचन होगा मीना के अंदर, टेंटों के अंदर। ये देख सकते हैं किचन, अभी क्योंकि यहाँ पे रहते हैं हज में 20 दिन, तो किचन अभी इस तरह पड़ा है, लेकिन ये है कि किचन भी इंशाल्लाह 4-5 दिनों में हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।